बात करते हैं अमेठी और रायबरेली की, जहां खास तौर पर रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी राहुल गांधी अब रायबरेली आ रहे हैं, तो इसका असर इंडिया गठबंधन पर, खास तौर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पर क्या हो? एक रुका हुआ फैसला आखिरकार सस्पेंस के पर्दे से बाहर आ गया। फैसला कांग्रेस का था। रायबरेली और अमेठी सीट पर नॉमिनेशन के आखिरी दिन पार्टी ने नाम तय कर दिए। इसके साथ ही अमेठी के फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर शुक्रवार की अहले सुबह से ही हलचल बढ़ गई। यहां एक के बाद एक दो चार्टर प्लेन उतरे, जिन चेहरों को अपने बीच देखने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इंतजार था वो पूरा हुआ। राहुल अमेठी की धरती पर तो उतरे, लेकिन इस बार मकसद अमेठी से चुनाव लड़ने का नहीं बल्कि रायबरेली से चुनावी घमासान में उतरने का था। राहुल ने यहां से नामांकन कर दिया। नॉमिनेशन के वक्त साथ में मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। 2019 के चुनाव में रायबरेली वो इकलौती सीट थी जहाँ से यूपी में कांग्रेस की जीत हुई थी। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद अब राहुल इस सीट का प्रतिनिधित्व करने मैदान में है। मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है, यानी रायबरेली में इस बार सीट बदल गया है। इस अमेठी से राहुल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे थे। अब उस सीट से नेहरू गांधी परिवार के वफादार किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। अब स्मृति ईरानी का मुकाबला राहुल से नहीं बल्कि किशोरी लाल शर्मा से है, यानी टक्कर का सीन पूरी तरह बदल गया है। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। रायबरेली से राहुल तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को पार्टी ने टिकट दिया। खुद प्रियंका गांधी ने उनके नॉमिनेशन में पहुंचकर जनता से जीत दिलाने की अपील की। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। किशोरी लाल शर्मा को गुरुवार रात तक भी इस बात का इल्म नहीं था कि अगली सुबह उन्हें अमेठी से कांग्रेस मैदान में उतार देगी। तो देखो, यहाँ आया था चुनाव लड़ने के लिए। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को आदरणीय खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने मेरे को मौका दिया। मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। अमेठी और रायबरेली में क्या हो रहा है, इस पर आज बीजेपी ने नजरें जमा रखी थी। राहुल के नाम के ऐलान के ठीक बाद पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी तक ने राहुल पर सीधा हमला बोल दिया। अमेठी से भी इतना डर गए, वहाँ से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूँ, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। और आज 21वीं बार आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। लोगों को मालूम है, जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा। बीजेपी के इस तीखे हमले पर कांग्रेस बौखला गई। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग के भाग रहे, डरो मत, भागो मत। मैंने उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना जी, हाँ पूछो उनको। 2004 के बाद ऐसा पहली बार है जब अमेठी और रायबरेली सीट में से किसी एक पर ही नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है। ABP News आपको रखे आगे।